लेकिन बड़े वाले को चेक दे देता, उसने कहा दे दो इसको 2 लाख रुपए का, बाकी फिर जो होगा 12। मेरा कहने इतना तो कम से कम हर बच्चे को पता होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का कि देखो छोटा बच्चा, मेरे यहाँ 9th का बच्चा बता देते इसको। मैंने कह रहा बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, आप भी, आप तो इतनी दूर से आ रही, आपको भी पता लग गया होगा इतने दिन में। देखिए 55 है, तुरंत एटॉमिक नंबर देगा आपने 50 है, ओ ए ग्रुप है, ए ग्रुप नॉर्मल। अब आपका नॉर्मल में लेफ्ट से राइट होता है, यहां नंबर देखा बी ग्रुप मिला, बी ग्रुप में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका लास्ट होता, तब आगे से पीछे को जाते हैं लेफ्ट में। यहां ए है तो देखो 2 8 18, पहले चेक कर 18 आपका कितना हो गया 28 हो गया, देख लीजिएगा आप में कहीं गलत तो नहीं हो। 55 में से आपका 28 हो, दिस इज 7 देखिए आपका, ठीक है जी। और आप जी कितना है 2 27, फोर्थ सेल में कितना आ जाइए 32, कहां से लाएगा, चोरी करके लाएगा, है ही 27 बचे इलेक्ट्रॉन। अब 32 से नीचे जो सेल होगा वो आपका आएगा 80, अब कितना हो 18 18 36 46 हो गया आपका नाम, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, ये चेक कर लीजिएगा आपका नाम। जैसे ये 55 था आपका, देखो 18 एंड 18 आपका, क्योंकि 32 था नहीं, तो 32 से नीचे का सेल आपका जो हो गया 18 हो गया, ठीक हो गया 18 हो गया। तो अब आपका देखो क्या होगा, फिर आपका 18 इसमें से माइनस कर दो कितना हुआ, जल्दी बताइए 9 हुआ 18 के बाद छोटा सेल क्या है 8 आ गया, रिपीट हो गया। और उसके बाद जब 8 माइनस हो गया तो बचा क्या, इसका मतलब द एलिमेंट एक्स, अब इसका नाम तो बात को बताऊंगा, एलिमेंट एक्स विच हैज द एटॉमिक नंबर 55 व्हेन डन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस, देखो 18 रिपीट हुआ फिर 8 रिपीट हुआ आपका नाम, देखो आपका के एल एम एन, उसके बाद देखो आपका रिपीट हो रहा है, देखो ओ पी कुछ भी करिए, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका मतलब क्या करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा तो मेटल होगा, मेटल होगा तो इसकी वैलेंसी प्लस 1 हो जाएगी, मोनोवेलेंट हो गया आपका। अब आपका इसका मतलब ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप का एंड 6th पीरियड का मेंबर है जिस एक्स का नाम है सीसी। देख लीजिए आप रिपीटेड आपका 2 8 18 32 एलिमेंट्स आपका, देखो ना बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन के एल एम एन, के एल एम एन, और फिर देखो आप देखो यहाँ 32 आना चाहिए, 32 है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा, चोरी करके लाऊंगा ना, 32 से नीचे का सेल 18 वाला हो गया, 18 से नीचे वाला सेल आपका नाम 8 हो गया, और जो बचा वो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में रिमेनिंग वन इज बेसिकली ये एकोमोडेशन से एकोमोडेटेड बना। ये जितने भी मेजर सिटी में रहने वाले बच्चे हैं वो यहां के दिस इज माय फ्लैट नहीं कहते, दिस इज माय एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब अगर मेरे पास 1 BHK का रूम है, उसमें मेरी मामा भी रह रही, मेरे पापा भी रह रहे, मैं भी रह रहा, मेरी सिस्टर भी रह रही, सपोज मीन्स हम सारे लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन एडजस्टमेंट। तो व्हाट इज आवर बेसिक नीड इज रोटी कपड़ा इन मकान, मकान डस नॉट मीन कि मंजिला होगा चौमंजिला होगा, रहने वाले 2 और 2 मंजिला बना दिया तो क्या एकोमोडेशन होगी, टांग को काट करके वहां तोड़ना रखेगा, हाथ को काट करके वहां तोड़ना रखेगा, एकोमोडेशन मीन्स वेर यू कैन एकोमोडेट। अगर मेरा गुजारा आपका कोई जरूरी है एंड्रॉइड के, एंड्रॉइड नहीं है मेरे पास पैसा एंड्रॉइड खरीदने के, आपका ऑनलाइन में हुआ क्या, ऑनलाइन में यही तो हुआ एंड्रॉइड मोबाइल खरीदिए, मेरे पास रोटी खाने के लिए मैं एंड्रॉइड मोबाइल कहां से खरीदूंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खरीदना पड़ा लोगों को कोरोना के डर से, मेरा बच्चा फेल नहीं हो जाएगा, और फेल होने के करार में ही है बच्चा, इसमें कोई शक नहीं। तो ना तो द मीनिंग ऑफ द एकोमोडेशन इज वेरी मच क्लियर, आप समझ गए। तो ये आपका मैंने एक एग्जांपल बी ग्रुप का भी जाते जाते ए ग्रुप का भी मैंने आपको दे दिया। एक मिनट, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करते हैं ऑफ द एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर 2 8 18 32 एलिमेंट, therefore the properties of element, the properties of elements are also repeated after 2 8 18 and 32, so means this
ये जो आपका करता है दिस फिक्स फिक्सेस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये है सारा। और लास्ट मेरिट इसमें जो है, लास्ट मेरिट का मतलब आपका ना देखो देयर आर, जो लास्ट का मतलब फिफ्थ है, देयर आर नाउ नो अभी तक एनोमलीज, एनोमलीज है एनो, ये आपका देखो ना इन द अरेंजमेंट ऑफ ए आर आर ए एन जी मैंने हटा दिया इसमें से, अगर चाहे तो आप आजकल फिनोटिक वर्ड है सीबीएसई का अरेंजमेंट का सब ई भी नहीं लिखा तो भी नंबर दे दो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, तभी तो हिंदी में आ जा रहे, हिंदी बोलनी नहीं आ रही, इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, 100 मार्क्स आ जा रहे हैं उसमें इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये फाइव मेरिट्स थे इसमें, एनोमलीज कोई भी कमी नहीं है, जब सब कुछ आपके सामने है पूरी खुली बिल्कुल अभी तक फिलहाल के लिए बिल्कुल हिट एंड फिट है, फिट भी है और हिट भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? डू इट प्लीज। एडवांटेजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, प्लस पॉइंट है जो इसके पॉजिटिव फीचर्स हैं आपका नाम देखो दिस इज द, वो क्या है आपका नाम कि ना फर्स्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं अभी तक अच्छा ही थी, मतलब इसमें क्या-क्या दिखता है, अब इसके वजह से क्या लाभ, लाभ बेनिफिट्स, तभी मैंने कहा था कि मेरिट्स में और लोग जनरली मेरिट्स और एडवांटेज को एक ही खेत की मूली समझते हैं, एक ही खेत की मूली है, एक खाने वाली सलाद वाली मूली और एक सब्जी वाली मूली है दोनों। वैसे आपका पढ़ाना अच्छा है लेकिन आपके पढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, क्या हो सर, कितने बच्चे अच्छे निकल रहे हैं तो ना। एडवांटेज ऑफ द पीरियड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, भाई सी एच ई जब केमिस्ट्री हो सकता है, सी एच ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, चौ चौ कौ कौ केमिस्ट्री, तो फिर चोपड़ा साहब को आप कोपड़ा साहब क्यों नहीं बोलते वो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमैटिक, एक ढंग मिल गया, एक वजह मिल गया, एक आपका ना सिस्टमैटिक एंड ईजी और कन्वीनियंट आपका बना जो अब जैसे क्या है, हम अपने बच्चे को पहले दिन ही कहते 30 तक कल को इसको याद कर लेना, जो हमारे सर ने हमें रटाया, हौही लीबी बकनो फनी नामक अलसी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर सिंह, 30 तक हो गया। अब इसमें भी सर ने बोला था कि इसको याद कर लेना, बी ग्रुप के 38 एलिमेंट्स को ऐसे याद कर लेना आपको पता लग जाएगा, सुंदर सा टीवी खरीदा मैं सुंदर सा एस सी स्कैंडियम से आपका जनन, ये पूरा आपकी ये सीरीज क्या हो गई, ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज हो, 21 से लेके 30 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए और 1 से लेके 20 तक पूरे नॉर्मल, उन नॉर्मल ए ग्रुप में आपका मेटल्स भी आ गया, नॉन मेटल्स भी आ गया, इनर्ट गैसेस भी आ गई, मेटालॉइड भी आ गया, इसीलिए आपने ना तो केमिस्ट्री को आपका सिस्टमेटिक एंड ईजी बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। आज हमें अध्ययन करने में पढ़ने में रुचि ले आ रही है, आपका इंटरेस्ट ले रहे हैं हम आपका नाम, इज इट क्लियर। तो इट एक्ट्स, ये तो काम करता है आपका देखो ना एम एड टू मेमोरी, आपकी मेमोरी में भी आपका नाम देखो दिस इज द एम, इस तरह एड टू मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है they have been divided into few groups of elements, भाई जो इतना 118 elements आपका है उसमें आपके ना देखो एक A group और एक B group हो गया, A group को आपका normal भी आप बोलते हैं आपका देखो ना, और ये जो sorry ये जो B group होता इसको आपका transition elements या आपका heavy metal groups आप कहते हैं आपका देखो, इसमें आपका first A आपका second A आपका ना 13 A आपका देखो ये 14 A आपका ना this the 15 A आपका दिस 16 है, आपका देखो ना दिस 17 है और इसका 18 थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ है सेवंथ है एट्थ भी ये भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे थर्ड भी फोर्थ भी मतलब थर्ड से ट्वेल्थ तक ट्वेल्थ तक ट्वेल्थ बी ये आपका सेकंड बी भी हुआ और आपका इलेवंथ बी ये आपका नाम दिस ये आपका फर्स्ट बी हो गया,
तो फोर्थ, अब बी नहीं भी लिखेंगे, बी यहां लिखा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, ये आपका इलेवंथ ग्रुप है, ये हो गया। तो टोटल आपका क्या हो गया, टोटल आपके कितने हो गए, आपका 18 ग्रुप्स आपके हो गए, यानी कि 8 आपके ये हो गए और आपका 10 आपके ये हो गए नीचे वाले। क्लियर हो गया? ईच ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, इज इट क्लियर? तो इट इज मच मोर कन्वीनियंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप देन टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटली। आप लिथियम की बात करते हैं, आपने कहते हाउ लिथियम इज सेपरेटेड फ्रॉम बी, या आप इतनी दूर भी मत जाए बेरिलियम भी चले जाए। द फर्स्ट व्हाट वी सी द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमने देखा इट्स 3 इट्स 4, देन व्हाट वी सी वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेयर फ्रॉम इट्स कमिंग बाय अप्लाइंग टू एन स्क्वायर, हु हैव गिवन इट, बोनिल्स बोर, इन व्हिच ईयर ही हैज गिवन 1913। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोथ हैव द सेम पीरियड्स, दोनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स, इज इट क्लियर? हो गया आपका नाम देखो, तो फ्यू ग्रुप्स ऑफ ईच ग्रुप्स आपका नाम देन नो मतलब फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप देन टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेपरेटली। आपको ग्रुप 1 एल्कली नाम दे दिया, 17 को आप क्या कहते हैं हैलोजन ग्रुप कहते हैं, आपका 13 ग्रुप को आप क्या कहते हैं एल्यूमिनियम या बोरोन वाली फैमिली हो गई, 14 को आप क्या कहते हैं कार्बन फैमिली कहते हैं, 15 को आपका नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, 16 17 को आपका हैलोजन ग्रुप फैमिली कहते हैं। क्लियर हो गया जी ना, ये था। इसके बाद सेकंड इट इज इजियर टू रिमेंबर, याद करने के लिए भी आपका नाम देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इफ इट्स पोजिशन in the periodic table is known, it is easier to remember, aapko badi aasani se ye yaad ho jayega the properties of an element, kisi bhi element ki properties if its position in the periodic table is known, agar periodic table mein uski position, main to isko bhi main kehta aur acha bana diya, isko second ko main kehta mujhe aap atomic, dekho same simple si baat hai, aapko koi न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में आइदर दैट इज ए सी और बी कुछ भी है, मतलब ही बी का मतलब ही कुछ भी है, लड़का पैदा हो आपके घर में या लड़की पैदा हो, हमें दो चीज चाहिए होती है उसकी, एक तो टाइम, आपने कहा पंडित जी आज 22 मार्च को सुबह के 6 बजे हमारा एक बेबी पैदा हुआ, जरा इसकी कुंडली तो बना दो, That horoscope, तो आपको टाइम मिल गया, आपको डेट मिल गई, बस ऐसे ही इसको एटॉमिक नंबर मिल गया और इसको आपका एटॉमिक मास मिल गया, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खड़ा कर देगा, इवन देन उसकी पोजीशंस कौन से ग्रुप में कौन से आपके पीरियड्स में, इट कैन ऑल्सो टेल अस, यहां तो उसने बोल दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन, मैं तो कहता हूं पीरियोडिक टेबल में नोन ना भी हो तो भी मेरे को दो चीजें मिलनी चाहिए, तो आज कितना अच्छा आपने बना दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसीलिए हम कहते पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ठीक हो गया? इट इज रिमेंबर, इसका मतलब क्या हो गया, द एलिमेंट रेडियम, जैसे आपका रेडियम ये जैसे रेडियम एग्जांपल आपने ले लिया, रेडियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना है 88, क्लियर? इसका अगर आपको भाई दी 226 इसका 226 एटॉमिक मास इसका 226.025 होता है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट 226 है आपका मान, ठीक हो गया आपका नाम देखो, दिस इज क्लियर? तो आपका क्या हो गया कि अगर ये रेडियम आपका है, अब आपको इससे पता लग जाएगा जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप को आपका मैनेज कर रहा है, अरेंजमेंट, अब क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से जो रेडियम होता है
ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर होता है, यानी कि इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका जो टू होंगे। एग्जैक्टली नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स आपका नाउ दिस इज द आपका सेवन होंगे। दैट्स वेरी फाइन, वो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियम विल बी सिमिलर टू द, अभी कहां नीचे है जबकि आप इसी ग्रुप में आप ऊपर जाएंगे। सेकंड ए की अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसमें आपका क्या होता है, सबसे ऊपर आपका क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम, इंक्रीज्ड मेटल के तो आपके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, टू है। तो इसका इसका मतलब रेडियम जिसके एटॉमिक नंबर आपका 88 है, इट वॉज इट इट इज ऑल्सो क्या आपका इन द सेम ग्रुप और सेम आपका क्या होंगे, सिमिलर आपके क्या हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियम विल बी सिमिलर। रेडियम सिमिलर टू मैग्नीशियम कैल्शियम, मतलब सेम हुआ, हाँ लगभग मिलती जुलती, सिमिलर का मतलब मिलती जुलती, एक से जुड़ा हुआ जो दो होता। एक मिनट, चलो आप इसके ऊपर फिर मैं थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए लास्ट, थर्ड जो इसकी एडवांटेज है द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय नोइंग इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। टाइप ऑफ कंपाउंड्स जी, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय किसी भी एलिमेंट से कितने प्रकार के आप कंपाउंड बना सकते हैं, ये भी आपका प्रिडिक्ट किया जा सकता है इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से। उधर देखिए आप, अगर आप देखोगे, अरे दीदी वही तो बता रहा हूं आपका, ये फर्स्ट ए, ये आपका देखो सेकंड ए, ए और उसके बाद यहां से लेके आपका देखो थर्ड से लेकर के ट्वेल्थ तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर आपका देखो ऊपर आपका 13 से लेकर के और फिर ये आपका लास्ट यहां 17 तक, उसके बाद देखो 18। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एन एलिमेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका ना ये एग्जैक्ट, तो इट विल बी द मेटल, ये आपके क्या होंगे, ये मेटल होंगे, ये मेटल होंगे, ठीक हो गया। हैंस 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 मेटल जो होंगे देखो हैंस फॉर्म क्या बनाएंगे, ओनली आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बेसिक ऑक्साइड। देखिए बिल्कुल आपने देखो सोडियम आपने बोला, अब मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा बड़ो बड़े उसमें जाइएगा किसी में, मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं उसके बाजू, मैं आपका जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने कहा 2-8-1, द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो देखो -1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, लूज किया आपका, लूज हो गया माइनस हो गया तो लूज किया आपने, तो ये आपका क्या बनाएगा, सोडियम आयन प्लस का मोनोवेलेंट हो गया पॉजिटिव, इसका आपका 2 इलेक्ट्रॉनिक आपका 2-8 सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया मतलब आपका ना देखो ये आपका इनर्ट गैस कैटेगरी में आपका आ गया, इनर्ट गैस क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 8 है हीलियम के बाद, जैसे इसने इसको क्या किया माशाल्लाह इसने छोड़ा तो पीछे से क्लोरीन अंकल आए, क्लोरीन अंकल का एटॉमिक नंबर आपका 2-8 इन सब बने, साथ देगा नहीं भिखारी लेगा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब आपने क्या किया, गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो Cl आपका देखो माइनस हो गया, ये भी आपका आयन बन गया, ये देखो 2-8-8 और इसका भी पेट भर गया सैचुरेटेड हो गया, ये भी इनर्ट गैस कैटेगरी में आ गया। इसीलिए जब मेटल सोडियम क्या है, मेटल जो लूज करते हैं वो मेटल, जो आपका गेन करते हैं वो नॉन मेटल, तो देखो जब मेटल मेटल कंप्लीटली लूज कर देंगे या डोनेट कर देंगे किसको, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को, आपका क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड कहते हैं अपना, या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड,
कैसे ले देखो, सोडियम सोडियम जब क्लोरीन गैस के साथ आपका रिएक्ट होगा, आपका ये आपका ट्वाइस NaCl, ये आपका लो कॉमन टेबल साल्ट, टेबल शॉर्ट या आपका ना कॉमन शॉर्ट आपका बने। अब वो काला नमक है या लाल नमक है या सैधा नमक है वो बात की बात है, ओनली इट इज ए नमक, इट इज ए शॉर्ट। ठीक है, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है मेटल होते हैं, दे मेक द आयनिक कंपाउंड्स उन्होंने बना दिए। कितने टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे वो, अच्छा ठीक हो गया कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन। और अब आप राइट साइड में आ जाएंगे, देखो अगर यहां से देखेंगे आपका देखो बोरॉन आपका देखो ये, फिर इधर को आप आएंगे इसके नीचे आपका देखो ये आपका सिलिकॉन होगा, इसके नीचे आपका देखो जर्मेनियम होगा आपका ना, देखो इधर को जब आप आएंगे तो आपका ये 14 का है, ये 15 की बात कर रहा हूँ, देखो 15 में यहाँ आपका क्या होगा आर्सेनिक होगा, इसके नीचे आपका ये आपका एंटीमनी होगा, इसके साथ आपका ना ये दस था, ये जब आप जाएंगे तो ये आपका 16 ग्रुप में यहाँ टेलिनियम होगा और पोलोनियम होगा। देखिए टेलिनियम के नीचे पोलोनियम एसबी के बगल में, एसबी के बगल में होगा टेलिनियम, एसबी के बगल में टेलिनियम होगा, उसके नीचे पोलोनियम। तो ये जो आप देख रहे दिस ऑल आर योर आपका मेटालॉइड, ये आपका मेटालॉइड्स होते हैं। लेकिन इसके बाद ये जो आपका राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड में आपका देखो ना ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जिनको आप गैसेस कहते हैं आपका। क्लियर हो गया? तो द एलिमेंट ऑफ द राइट, द एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए पीरियोडिक टेबल आपका यहां देखो तो देन इट विल बी अ नॉन मेटल एंड कैन फॉर्म आयनिक एज वेल द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और ये आपका आयन, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता तो कार्बन जब ऑक्सीजन गैस के साथ आपका रिएक्ट करेगा आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्योंकि कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन वाला मेटल है, वो मेटल का मतलब व्हिच कीप्स द टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स एट वेल एज वेल एज नॉन मेटल्स वन। तो आपका देखो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल आपका क्या करेंगे, ये नॉन मेटल नॉन मेटल एनएम का मतलब नॉन, ये आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस पार्टनरशिप करते हैं। अभी मुझे जरूरत है तो मुझे दे दे, जब तुझे जरूरत होगी तो मुझसे ले लेना, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। आपका समझ रहे हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपके जो आप देख रहे हैं, तो नॉन मेटल देखो जब इसके साथ मेटल के साथ मिल रहा तो आयनो कंपाउंड बना रहा है, और जब उसके साथ मिल रहा तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो आपका जब नॉन मेटल के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, अपने खुद के साथ बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज योर टू एटम्स, तो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे कि तू दे ले तू ले ले, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का साझा हो गया, दे आर मेकिंग आपका डबल बॉन्ड। एक्सैक्ट।